नमस्कार प्रणाम स्वागत बा रउआ सबके हमारा अपन खास प्रोग्राम भोजपुरिया गॉसिप्स में। रउआ लोग देख रहल बानी नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया। आज के अपना खास प्रोग्राम में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के कुछ ताजा तरीन खबर लेके आई बनी और हर दिन लेके आए बनी आज भी लेके आई बनी। तो चली रउआ लोग बताओ दानी कि आज हमारे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज के कौन ताजा तरीन खबर बा। बता दें कि आज की पहला खबर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार कहे जाए वाला खेसारी लाल यादव से जुड़ल बटे। जी हाँ, बता दी कि खेसारी लाल यादव के फिल्म के ट्रेलर आई बटे जौना फिल्म के नाम बटे कुली नंबर वन। बता दी कि कल ही फिल्म के ट्रेलर रिलीज भइल और मात्र एक दिन में 1.6 मिलियन प्लस लोग देख चुकल बटे। ये सर वाला बिल्कुल अंदाजा लगा सकता नहीं कि खेसारी लाल यादव के चाहे वाला लोग कितना बटे। वह बात करिए अगर खेसारी लाल यादव के बारे में तो खेसारी लाल यादव अपन फिल्म के लेकर के काफ़ी ज़्यादा आजकल बिजी भी रहता रहे, लेकिन होली 2019 के गाना भी एक से एक लेके आ रहा पड़े। खैर चली रुआ लोग डाली एक नज़र हमारे खास खबर के तरफ कि आखिर खेसारी के फिल्म कुली नंबर वन के कहानी का बाटे और फिल्म कुली नंबर वन से हर एक जानकारी खातिर एक नज़र डाली खास खबर के तरफ। भोजपुरी के सुपर स्टार कहे जाए वाले खेसारी लाल यादव के फिल्म कुली नंबर वन के ट्रेलर के यूट्यूब पर जारी कैल गई। बता दिए जौना के काफ़ी लोग पसंद कैले बाटे और खेसारी अपना फिल्म के कहानी लाइव आके बतैले बाटे। रउआ लोग के बता दिए कि खेसारी लाल यादव फिल्म बागी के सेट से लाइव आके खुद अपना फिल्म कुली नंबर वन के ट्रेलर की कुछ कहानी भी बतैले बाटे, फिल्म के कहानी बतैले बाटे। लेकिन बता दें कि खेसारी लाल यादव अपनी अपना फिल्म के शूटिंग के लेकर के काफ़ी ज़्यादा बिजी भी रहते बड़े। बता दें कुली नंबर वन के कहानी एगो अनाथ माँ और बाप पर बटे, जौना के खेसारी लाल यादव खुद लाइव आके कहले बड़े हैं कि पहले तो लड़का अनाथ हो जाते रहो लेकिन आज के डेट में माँ और बाप अनाथ हो जाते लो। बता दें कि खेसारी लाल यादव की भूमिका फिल्म में अनाथ आश्रम से ही जुड़ल बटे। वही बात करें खेसारी लाल यादव के फिल्म के ट्रेलर के बारे में तो बता दें कि फिल्म के ट्रेलर मात्र एक दिन में 1.6 मिलियन लोग देख चुकल बटे। बता खबर के मानी तो खेसारी लाल यादव अपने फिल्म के ट्रेलर से दिनेश लाल यादव के टक्कर दे रहा बड़े। अब देखे के कि का दिनेश लाल यादव के शेर हिंदुस्तानी के ट्रेलर से इनका ट्रेलर के व्यूज आगे जा रहा बा या फिर नहीं, तय वाला समय बताई। जैसे कि देखने लोग खेसारी लाल यादव के फिल्म कुली नंबर वन के कहानी का बटे, फिल्म के ट्रेलर के हर एक जानकारी के देनी है। तो चलिए वह बढ़ता नहीं आज के अपन दूसरा का खबर की तरफ। जी हाँ, बता दें कि आज के दूसरा खबर भोजपुरी इंडस्ट्री के उभरते सितारे कहे जाए वाले रितेश पांडे से जुड़ल बटे। जी हाँ, रितेश पांडे जी भी दिन पर दिन तरक्की की तरफ बढ़ रहा बड़े। उनकर भी एक से एक गाना और एक से एक फिल्म सुपर हिट भोजपुरी इंडस्ट्री के देले बड़े। यही बीच रितेश पांडे अपन एक और गाना होली के वीडियो लेके आ गए बड़े, जौना के काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद कर रहा बटे। उनका एल्बम के नाम बा बाबू दरोगा जी। बता दें कि काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद कर ले बटे रितेश पांडे के होली गाना के वीडियो के। हालांकि ये गाना के ऑडियो आई रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा धमाल मची ले रहे हैं, लेकिन वीडियो भी कोनो कम नहीं है। तो चलिए एक नज़र डालिए खास खबर की तरफ कि आखिर रितेश पांडे अपना वीडियो में का का दिखले पड़े और रितेश पांडे के साथ है के नजर साथ ही गाना के वीडियो में। भोजपुरी के उभरते सितारे कहे जाए वाले रितेश पांडे की आजकल काफी चर्चा हो रहा बा। बता दें कि रितेश पांडे की चर्चा उनकर फिल्म के लेकर के ना बल्कि उनकर गाना के लेकर के हो रहा बटे। मैं बता दें कि रितेश पांडे के गाना काफी लोग पसंद भी कर रहा बटे। अगर बात करें रितेश पांडे के गाना के बारे में तो बता दें कि उनका गाना के बोल बटे बाबू दरोगा जी। हालांकि ये गाना के ऑडियो के काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद कर ले रहा सर, लेकिन यही बीच रितेश पांडे अपना गाना के वीडियो लेके आ गए बड़े, जगह के 42,000 प्लस लोग देख चुके बटे। बता दें कि रितेश पांडे के ये गाना एगो छोटा चैनल के माध्यम से निकाला गए बटे। वही अगर गाना के बात करें तो बता दें कि गाना के लिरिक्स आलम दिलसाद जी दिले बनी और म्यूजिक आशीष वर्मा जी दिले बनी। बता दें कि गाना के ऑडियो के काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद कर रहे सब। जाते जाते रउआ लोग ये भी बता देता नहीं कि रितेश पांडे अपन आए वाला नया फिल्म के लेकर के काफ़ी ज़्यादा बिजी बढ़े और जो फिल्म के नाम बा राजा राजकुमार। अब देखे के ये बा कि रितेश पांडे अपन 2019 में कौन कौन फिल्म अपन चाहे वाला लोग के दे रहा बड़े और होली नज़दीक आ ही रहा बा, यही बीच में अपन कितना गाना होली के दे रहा बड़े। अभी होली जब तक ना आई तब तक मालूम नहीं हो सकत। जैसे कि लोग देख रही लोग रितेश पांडे के संगे के नज़र आई बटे उनका वीडियो में और बता दें कि रितेश पांडे अपनी अपन आए वाला फिल्म राजा राजकुमार के लेकर के काफ़ी ज़्यादा बिजी भी रहते रहे।
चलिए वही बढ़ता नहीं आज के अपन तीसर का खबर की तरफ। जी हाँ, बता दें कि आज के तीसरा खबर भोजपुरी इंडस्ट्री के उभरते सितारे कहे जाए वाला रितेश पांडे से ही जुड़ल बटे। बता दें कि रितेश पांडे के एगो लुक सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा बटे, जौना में हमारे साथ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के यूट्यूब क्वीन कहे जाए वाली आम्रपाली दुबे जी नजर आतरी। तो चलिए एक नजर डाली हमारे खास खबर के तरफ की आखिर आम्रपाली और रितेश पांडे के जो फोटो वायरल हो रहा बटे, ये फोटो कहाँ के बाटे और फोटो से हर एक जानकारी खातिर एक नजर डाली खास खबर के तरफ। भोजपुरी के उभरते सितारे कहे जाए वाले रितेश पांडे और यूट्यूब क्वीन कहे जाए वाली आम्रपाली दुबे के फोटो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा बा। रउआ लोगन के बता दी कि फोटो में काफी खूबसूरत लाग रहा बड़न रितेश पांडे और खूबसूरत लाग रहा बड़ी आम्रपाली दुबे। अगर बात करी रितेश के बारे में तो बता दी कि रितेश पांडे काफी फिट लाग रहा बड़े अपने नया फोटो में और वहीं आम्रपाली दुबे भी काफी खूबसूरत नजर आ रहा बड़ी। बता दी कि ये फोटो रितेश पांडे और आम्रपाली दुबे के आए वाला फिल्म सैया थानेदार के सेट से लिहल गई बा। हालांकि फिल्म के शूटिंग काफी पहले हो गई बटे, लेकिन अपना फिल्म के लुक के बीच याद करे खातिर सोशल मीडिया पर रितेश पांडे डालले बड़े, जौना के काफी ज्यादा लोग पसंद कर रहा बटे। बता दें कि पहली बार आम्रपाली दुबे और रितेश पांडे एक साथ फिल्म में नजर आ रहा बालो और खुशी दिख रहा बालो अपना नया फोटो में। वह बात करिए कि सबसे ज्यादा आम्रपाली दुबे के दिनेश लाल यादव निरहू के साथ पसंद कर जला, लेकिन रितेश पांडे के साथ केमिस्ट्री कैसे लागत आई तो आए वाला समय बताइए। कैसे अभी तक फिल्म के रिलीजिंग के डेट फिक्स नहीं है, लोग कब से इंतजार कर रहा बटे कि कब तक फिल्म रितेश पांडे और आम्रपाली दुबे के बॉक्स ऑफिस पर लागे वाला बा सैया थानेदार। लेकिन वह बात करत नहीं अगर रितेश पांडे के फोटो के बारे में, तो बता दे कि रितेश पांडे के फोटो में काफी ज्यादा खूबसूरत लाग रहा बड़े रितेश पांडे। अब देखे के ही बा कि कब तक अपन फिल्म के लेकर के बॉक्स ऑफिस पर आ रहा बड़े। जैसे कि रोलो देख लो कि आखिर रितेश पांडे के साथ आम्रपाली दुबे नजर आई बड़ी और ये दोनों जना के फिल्म कौन फिल्म के सेट से फोटो वायरल हो गई बटे। और बता दी कि सबसे ज्यादा तो लोग दिनेश लाल यादव के साथ आम्रपाली के पसंद करेला, लेकिन अपना फिल्म में यानी सैया थानेदार में एक बार फिर से नजर आ रहा बड़ी आम्रपाली रितेश पांडे के साथ। अब देखे बाकी लोग केमिस्ट्री कैसा लागत है लोग नया फिल्म में। चलिए वह बढ़ता नहीं आज के अपन चौथा खबर की तरफ। जी हाँ, बता दी कि आज के चौथा खबर जुबली स्टार दिनेश लाल यादव और रवि किशन से जुड़ल बटे। बता दें कि दोनों जना सीएम योगी से मिले गई बलो और वहाँ मिले बलो सीएम योगी से और काफी ज्यादा बात भी कैले बलो और का बात कैले बलो और मांग भी कैले बलो, ये सब के जानकारी खातिर तनी एक नजर डाली हमारे खास खबर के तरफ। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भोजपुरी और अवधी भाषा के अकादमी के गठन के बारे में कुछ बातें प्रेस वार्ता के दौरान कही। इस दौरान महाराष्ट्र के राज्य मंत्री और मुंबई भाजपा के प्रदेश महामंत्री अमरजीत मिश्र के नेतृत्व में भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार रवि किशन और सुप्रसिद्ध लोक गायक और अभिनेता दिनेश लाल यादव डेरहुआ ने रविवार की सुबह लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास में सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर ये मांग की है कि जिस यूपी में भोजपुरी और अवधी की गंगा बहती हो, वहां इस भाषा की अक्षर विरासत को सहेजने और सांस्कृतिक परंपराओं को पुष्पित करने के लिए कोई सरकारी उपक्रम नहीं है। शिष्टमंडल ने 2 महीने से अधिक समय तक प्रयागराज में चले महाकुंभ का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न कराने पर योगी आदित्यनाथ का सम्मान भी किया। तो वहीं अभिनेता गायक दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि इस भाषा को बोलने वाले, उसे जानने और समझने वालों का विस्तार विश्व के सभी महाद्वीपों में है। इसका कारण ब्रिटिश राज के दौरान उत्तर भारत से अंग्रेजों द्वारा ले गए मजदूर हैं, जहां भोजपुरी अवधि का बोलबाला है। भोजपुरी भाषा का इतिहास 7वीं सदी में शुरू होता है, 1000 से अधिक साल पुरानी है। गुरु गोरखनाथ ने 1100 वर्ष में गोरख बानी लिखा था। संत कबीरदास ने अवधि में दोहे लिखे। बाबा तुलसी ने रामचरितमानस की रचना की। अवधि परिवेश में बनी नदिया के पार जैसी फिल्म ने भारतीय संस्कृति की छटा तो बिखेरी ही, साथ ही सफलता के नए कीर्तिमान भी बनाए। निरहुआ रवि किशन ने मिलकर भोजपुरी सिनेमा के लिए जो मांग की है, उम्मीद है वो जल्द ही पूरी होगी और आप लोगों के बीच, खासकर भोजपुरी सिने प्रेमियों के बीच एक खास खुशखबरी भी मिल सकती है। नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। जैसे कि देखने लो कि सीएम योगी से मिले खातिर रवि किशन और दिनेश लाल यादव निरहू गए। बता दें कि हाल ही में यानी लोकसभा के चुनाव होके वाला बाटे और
दिनेश लाल यादव और रवि किशन जाके सीएम योगी से मिलने वालों और मांग भी कैले वालों अपना अपना क्षेत्र खातिर जौन हमारा प्रोग्राम रोल मालूम चल रहा। बिल्कुल ऐसे ही बना रही है हमारा चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया के साथ है। कैसे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के पल पल के खबर रउआ लोग के देख रहे हैं और हमारा दी इजाजत कैसे हम भी लेके आए भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ल कुछ ताजा तरीन खबर रउआ लोग बताए खातिर। नमस्कार।